तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनको अभी मार्च महीने का फ्री राशन नहीं मिला। इसका क्या कारण है और आने वाले महीने यानी अप्रैल में क्या फ्री राशन मिलेगा या नहीं, इसके बारे में आपको हम अपडेट देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री राशन में आप इसमें देख सकते हैं इन कार्ड धारकों को नहीं मिला तेल, चना और नमक। आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं, 7 मार्च मंडे का ये बड़ा अपडेट है। बहुत सारे राशन कार्ड धारक जब फ्री राशन लेने गए तो उनको चना, तेल, नमक नहीं मिला है। राजधानी में तय तारीख पर रविवार को राशन का वितरण शुरू नहीं हो सका, जबकि सुबह से ही कोटे की दुकानों पर कार्ड धारकों की कतारें लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, लेकिन राशन न आने के कारण वितरण शुरू नहीं हो सका। ऐसे में कार्ड धारकों को काफी निराशा हुई। होली जैसा त्यौहार और फ्री तेल, चना, नमक मिलने का अंतिम माह होने के कारण कार्ड धारक जल्द से जल्द इस माह का राशन ले लेना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें अभी गोदामों पर नहीं पहुंचा है तेल, चना, नमक, इस वजह से देरी हो रही है। सरकारी गोदामों में गेहूं, चावल तो है, लेकिन अधिकांश जगह तेल, चना, नमक नहीं पहुंचा है। इसी वजह से कोटेदारों का चालान भी नहीं निकल रहा है। खास बात यह है कि कोटेदार केवल गेहूं, चावल लाकर उसका वितरण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना तेल, चना, नमक के ई पॉस मशीन चलती नहीं है। बिना ई पॉस से आधार सत्यापन के राशन वितरण किया नहीं जा सकता। और बता दें, तेल, नमक व चना वितरण का अंतिम माह है, क्योंकि मार्च 2022 तक योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था, यानी होली तक के लिए ऐलान किया था कि फ्री राशन दिया जाएगा। नियमित राशन के निशुल्क वितरण के साथ तेल, नमक, चना का फ्री वितरण का यह अंतिम माह है। दिसंबर 2021 से कार्ड धारकों को निशुल्क गेहूं, चावल के साथ 1 लीटर तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चना वितरित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो अंतिम माह होने के कारण अगर तेल, नमक व चना बचता है तो उसका समायोजन अगले माह नहीं हो पाएगा। इस कारण से ही आपूर्तिकर्ता कंपनी भी वास्तविक डिमांड के अनुसार ही तेल, नमक व चना भेज रही है। इसी कारण से गोदामों पर अभी तक खाद्य वस्तुएं नहीं पहुंची हैं, वहीं उठान भी नहीं हो पाया है। तो अगर आप अपने कोटेदार की दुकान पर जाते हैं राशन कार्ड लेने, तो चना, तेल, नमक में कुछ देरी हो सकती है। मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था कि फ्री राशन आपको मिल गया है या नहीं, तो लगभग 80% लोगों ने कहा है कि अभी नहीं मिला है। तो आपको बता दें, गेहूं, चावल मिल रहा है, लेकिन चना, तेल, नमक ना मिलने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं और बहुत से राशन कार्ड धारक फ्री राशन नहीं ले रहे हैं। तो आने वाले समय में यानी 1-2 दिन में ये चना, तेल, नमक भी मिलना शुरू हो जाएगा और आप जाके फ्री राशन ले सकते हैं। ये आपको 18 मार्च तक मिलेगा और उसके बाद पीएम मोदी वाले फ्री राशन की शुरुआत होगी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।